दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जॉब ज्वाइनिंग के वक्त एप्लीकेशन कैसे लिखें। दोस्तों, अगर आप कोई नौकरी हो और आपका पहला दिन है और आप एक एप्लीकेशन लिखना चाहते हो अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति लेना चाहते हो, जिसके लिए आप एक प्रार्थना पत्र कैसे लिखोगे, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू देखना। सबसे पहले दोस्तों, हमें लिखना है सेवा में श्रीमान। आगे आप जिस ऑफिस में, जिस दफ्तर में आप ज्वाइनिंग ले रहे हो उसका नाम लिख देना है और यहाँ पे दोस्तों नीचे उसका एड्रेस, किसी भी अधिकारी को लिख रहे हो जहाँ लिखना है, उपस्थिति या फिर आप ये भी ले सकते हो पद पर हो ज्वाइन हो, उस पद के लिए आपको लेटर आया या नियुक्ति हुई आपकी उस पद पर, पर कार्यभार ग्रहण के दोनों में से दोस्तों कोई भी आप विषय ले सकते हो, या तो उपस्थिति देने बाबत या फिर जिस पद पर आप कार्यभार ग्रहण करना चाहते हो उसके संबंध में, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में लिखना मैं महोदय जी, विषय अंतर्गत निवेदन है कि इस ऑफिस आपको लेटर आया है ज्वाइनिंग का, कार्यालय का नाम लिख देना है। इस कार्यालय से दोस्तों आपको ज्वाइनिंग के लिए लेटर मिला है, उस कार्यालय का नाम लिख देना है और उसके बाद में कार्यालय का नाम के, कार्यालय का नाम लिख के उसके बाद के आदेश उपरोक्त विषय अंदर निवेदन है कि कार्यालय जो भी आपके, जिस कार्यालय से आपको ज्वाइनिंग का आपके पास लेटर पहुंचा है उस कार्यालय का नाम तथा उसके बाद में के आदेश क्रमांक, या आदेश क्रमांक दोस्तों जो संख्या है आदेश की वो संख्या यहाँ पे आपको लिखनी है, जो भी है संख्या। संख्या लिखने के बाद में दोस्तों जिस तारीख को अपने पास में पहुंचा है दिनांक लिखे,
के बाद लिखना द्वारा मुझे यहाँ पे अपना जो आपको पद मिला है उसके बारे में लिखना है। पर नियुक्त करने के पर इस तारीख को आप ज्वाइन कर रहे हो वो तारीख डाल देना, को दोपहर को या सुबह आप जब भी मध्या पूर्व या दोपहर उपरांत या आप समय डाल देना। मैं लिख देना दोस्तों वो अपनी यहाँ समय लिखना है दोस्तों आपको अपनी उपस्थिति पर कार्यालय कार्यालय या जो विद्यालय आप जो भी अगर शिक्षक है तो विद्यालय लिख देना। मैं सादर प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। और आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे कार्यभार करने की अनुमति बाद में चलेगा। अपने साइन कर देना है और बाद में अपना नाम लिख देना है और फिर यहाँ पे लिख देना है अपना पता डाल देना है। लिख देने हैं मोबाइल नंबर। और दिनांक लगा देनी है नीचे। हाँ दिए के नीचे यहाँ पे।
पबजी लिख देना है, अपने साइन कर देने हैं और यहाँ पे अपना नाम लिखना है इस जगह पे। दिए फिर साइन, फिर अपना नाम, पद, पता, मोबाइल नंबर और आज जिस दिन आप ज्वाइन करो उस दिन की डेट ला लेनी है। सबसे पहले लिखना सेवा में, श्रीमान जी साहब का अधिकारी को, बड़े अधिकारी को आप लिख रहे हो जो आपके ज्वाइनिंग देगा और उस कार्यालय का नाम लिख देना है, पता डाल देना है। विषय में आप उपस्थिति देने बाबत या फिर इनमें से जो भी एक ले सकते हो उपस्थिति देने बाबत, या फिर जिस पद पे आप ज्वाइन कर रहे हो उस पे पद पर कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में। महोदया जी उपरोक्त विषय अंतर निवेदन है कि कार्यालय जिस बड़े कार्यालय से आपको ज्वाइनिंग का लेटर मिला है उस कार्यालय का नाम लिख देना है, हेड ऑफिस है जो भी, के आदेश क्रमांक दिनांक द्वारा मुझे इस पद पर नियुक्त किए जाने पर मैं आज दिनांक को जो भी है पूर्व मध्य पूर्व या दोपहर उपरांत को अपनी उपस्थिति इस पद पर आपके कार्यालय में सादर प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंत आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें, धन्यवाद लिख देना। और दोस्तों साइड में जो ये जगह यहाँ पे एक अपने को रिसीव्ड मिलेगी, इस जगह रिसीव्ड जो अधिकारी अपने को ज्वाइनिंग देगा और उसके साइन होंगे, एक अपने पास रखनी होती है उसकी कॉपी रख लेना आप। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, अगर आप और भी कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।